यहाँ बहुत शाम हम बच्ची के वो लेके आए हैं और बाइक वहाँ पार्क करके वो स्टैंड में, और बालू पे बैठ के हम लोग भुट्टे खा रहे हैं, वो खेल रही है। और जनरली ऐसी कुटाई उटाई नहीं हुई है आपकी? नहीं 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 हुई है, बाकी जीवन ने इतना मारा है कि लाठियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कई दायरे होते हैं ना, उनका उल्लंघन नहीं करना होता है। बिल्कुल, वो दायरे में रहते हो जो कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन तो आप एक्सपेरिमेंट के नाम पे क्या एक्सपेरिमेंट करोगे, मतलब दाल तड़के में चीज तो नहीं डालोगे। पटना में तो याद है, मैं कई बार 2-3 बार ऐसा हुआ है कि हम दूसरे की शादी में खाना खाने जाके कहाँ आए हैं। उसमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता था कि कोई पहचान कोई समझ ना ले कि सिर्फ खाने आए हैं। तो अलर्टनेस के साथ साथ एक चेहरे पे प्लेजेंट भाव भी रखना पड़ता है, तो उसको लगे कि मेहमान नहीं है, लेकिन अंदर से सब सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मुझे कौन स्टडी कर रहा है। और भाई जल्दी खाओ खाओ, और खा के तुरंत नहीं निकलना है। हालांकि प्रसाद बट रहा है अभी, आज भंडारा चल रहा है ना। अच्छा, है ना। वाह जी वाह वाह। अरे गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्ते, स्वागत है। वैसे तो हम ये गेट क्रैशेस पे करते हैं हमारा शो है, हम घर में घुस जाते हैं किसी के भी, बट आज बॉम्बे जर्नी पे आपने हमें आमंत्रित किया तो हम आ गए आपके पास। जी जी, स्वागत है, आइए आपको पिलाएंगे सत्तू। अरे वाह वाह वाह, ये आपका नया घर है? हाँ, मेरा पुराना घर है, नया पुराना सा। हाँ हाँ, ये हॉलीडे होम है। जी जी, आइए। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये अपना कांजी रंगा का है। वाह, जो नॉर्थ ईस्ट में जंगल है ना। जी, सिंगल हॉर्न राइनो वहीं मिलता है। हाँ, तो ये वहाँ की DFO ने जो मुझे गिफ्ट किया था ये भी, और ये एलिफेंट। पिलाटागुड़ी एक फॉरेस्ट है नॉर्थ बंगाल में, डुअर्स में, बहुत सुंदर है। तो ये लकड़ी ऐसे टस्कियन एलिफेंट्स आते वहाँ के लोकल कलाकार बनाते हैं। वाह जी वाह, तो ये है बस। क्या है और कलाकारी वाली चीज़ें बताइए आप हमें। ये कलाकारी वाली चीज़ें हैं, ये मैसूर का ये आर्ट है जी, जो लकड़ी पे कार्व करते हैं। ये जितने डिजाइन है ये, तो ये पेंट है? नहीं पेंट नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी को काट के उसमें और लकड़ी डाली गई है। और लकड़ी डाली गई है, तो ये कलर नहीं है? नहीं, वुड है, रोजवुड है, इसमें कटहल होगा और अलग अलग किस्म की लकड़ियाँ होती हैं। ये जितना जो दिख रहा है। वाह भाई, ये तो बढ़िया कारीगरी है सारी की सारी। अरे ये मैसूर में बनता है। हाँ जी, तो वो इवन ये कपड़े जो है, ये गमछा है, ये भी मैसूर का हैंडलूम का है। अरे वाह, वही कही, ये इसकी कहानी है, बताऊंगा कभी। आइए आपको सत्तू पिलाएंगे। जी, ये रसोई है हमारा। हाँ, छोटा सा, यहाँ मजा आता है, यहाँ सब पकौड़ी बनता है, और इधर बैठ के खिड़की से ही पास सेवन किया जाए। हाँ, ये बेस्ट तरीका है भाई। आपका भी किचन में काफी आना जाना रहता है? जी जी जी, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। वाह 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 वाह। तो ये मटका है, देखिए मैं फ्रिज का पानी नहीं पीता हूँ, मैं मटके का ही पीता हूँ। हम भी सुराही और मटके की वो करते हैं बात, इसकी बात अलग है। चलिए आइए। ये बॉम्बे में एक छोटा सा गांव खोज रहा था मैं, तो छोटा सा गांव है, खाट है, चूल्हे हैं, जस्ट बाय द वे। हाँ, तो ये संयोग बस संभव हुआ, मिल गया टच ऑफ डेयर, तो बस हमारी दुनिया है। ऐसे ज्यादा दूर नहीं है आपका हॉलीडे होम? घर नहीं भी दिखता रहेगा आपको? घर से ही दिखता है। अच्छा अच्छा, यहाँ चिड़िया आती है बहुत सारी, आम है, कटहल है। इसमें कुछ एक साल पहले हमने एक एक्टिंग का वर्कशॉप भी किया था यहाँ। आप ही ने? मैंने नहीं, मेरे टीचर आए थे, प्रसन्ना जी। ओके। वो बेंगलोर के पास शिवमोगा में रहते हैं, और उन्होंने ही 20 साल लगा के एक चरखा नाम की संस्था बनाई है, जो हैंडलूम के हस्तकरघा के कपड़े बनाते हैं। वाह जी। औरतें वहाँ शिवमोगा होगुड़ू, उसका मैसूर में और बेंगलोर में आउटलेट है देसी के नाम से, तो ये उन्हीं के कपड़े हैं, ये सब हैंडलूम है। बहुत सुंदर कुर्ता है आपका, मतलब नेचुरल डाई है इसमें, जीरो कार्बन है इन कपड़ों को बनाने में। ये बहुत पुरानी, आज नेशनल हैंडलूम डे भी है, मतलब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। मैं ये वाला विद्यार्थी का उठाया हुआ, विद्यार्थी का, बहुत खादी पहना हुआ हूं खुद। नहीं, हम में से हर किसी के पास एक तो हैंडलूम खादी का होना ही चाहिए, गमछा लुंगी धोती कुछ भी, शर्ट कुर्ता, वो हाथ की बनी चीजें हैं। तो यहाँ खेलवाल भी होता है, फुटबॉल दिख रही है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, वो बच्चे तो आप बेटी आती है तो, हाँ वो आती है तो कभी कभी हम लोग खेलते हैं। वाह वाह, लिट्टी चोखा वगैरह बनना हो तो यहाँ होता है वो? हाँ, यहाँ बनता है, उस जगह पे बनता है, उधर एक प्लेटफॉर्म है वहाँ बनता है। लकड़ी का चूल्हा, कभी खाने का मन किया तो। वाह, इसकी रोटी का अलग आनंद है, सब कुछ, रोटी दाल सब्जी, लकड़ी के चूल्हे का अलग सुख है। चले? हाँ जी, चलिए गाड़ी में।
हाँ, क्योंकि आपका फॉर्मेट तो गाड़ी वाला है। यस सर, आइए जी। और ये रूप कथा कहाँ से नाम आया? ये बंगाल में रूप कथा, रूप कथा फेरी टेल्स, तो हमने हिंदी में रूप कथा उसका कर दिया है। हाँ जी, मेरे पत्नी की दोस्त की माँ ने ये नाम दिया था। अच्छा जी, अपर्णा नाम है उनका, तो तब से रूप कथा की जगह रूप कथा हमने कर लिया। चलिए, वो इतना ग्रीन, इतनी चिड़िया का साउंड कहाँ बॉम्बे में। स्पैरो दिखी मेरे को। हाँ, बहुत है। अचंभ हो गया, मैं बोला वाह यार। वो कई बार यहाँ से जाते हैं, संजय भैया बोले मिश्रा जी हाँ ये हमारे यहाँ आते हैं, मैंने बोला वो मेरे वाले हैं, आते यहाँ जाते हैं। यहाँ से सीधा उड़ेंगे तो लोखंड वाला ही है ना बैक रोड, तो यहीं पे ऊपर रहते हैं 50-60। हाँ, मैंने उनके लिए खाना भी लगा रखा है। वेरी गुड, गिनती भी रखी हुई है आपने, ये अपनी गुड है। तो मेरी हॉबी है ना, थोड़ा मैं चिड़िया देखता हूँ। बढ़िया बढ़िया, खड़ा होकर 10-15 मिनट पौधे देखता हूँ। खैर चलिए, हाँ आ जाओ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, अच्छा हूँ मैं, सुरक्षित हूँ बिल्कुल। बढ़िया जी जी, आप हमें एनर्जाइज तो कर ही दिए सत्तू पिला के एकदम। हाँ, अब 4 घंटे तक हमें प्रोटीन और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, ये आपका जनरल दिनचर्या है क्या सत्तू पीना? हाँ, लगभग मैं प्रतिदिन पीता हूँ, बनारस से या पटना से सत्तू आ जाता है, और नहीं आप रहा तो बॉम्बे में चना खरीद के बना लेते हैं। चना यहाँ बिकता है ना भुना हुआ। यस यस, उसको ला के मिक्सी में पाउडर बना लो, हो गया। बेस्ट बेस्ट, बढ़िया है। देखिए मड आइलैंड में 4-4.5 साल, मतलब आप पेंडेमिक यहीं पे निकाले। हाँ हाँ हाँ, यहीं पे था, और लकीली चूंकि लोग कम रहते हैं हमारी हाँ बिल्डिंग में, कैंपस में, तो काफ़ी खाली था, तो हमें मतलब वॉक करने और घूमने के लिए अंदर जगह बहुत थी, क्योंकि गेट बंद हो गए थे, आना जाना बंद था। अच्छा, यहाँ बैरिकेडिंग भी लगा दिए थे ना उस टाइम पे? हाँ हाँ हाँ, ये चर्च के पास में, हाँ, तो वहीं से इधर गाड़ियाँ नहीं आती थी। वाजी वाह, ये सब शूटिंग लोकेशन है हमारे आसपास दिख रहे हैं जितने। हाँ, मेरी पत्नी है नया नया आई, तो एक दिन आने के बाद बोली कि अरे वो पुलिस स्टेशन नीचे ही है। मैं बोला कौन सा पुलिस स्टेशन? तो कुछ तो नाम बताई। हाँ, मैं बोला अरे नहीं सुनू, यहाँ मड में कोई हमारे घर के पास नहीं है। जी जी जी, बोले नहीं है। ये देखिए आज दिल्ली पुलिस स्टेशन है ये। हाँ 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 हाँ, देखिए देखिए लगा हुआ है। इससे पहले एक पीली बत्ती जा रही थी यहाँ से। करेक्ट, हाँ, डीएल नंबर्स की गाड़ियाँ लगी हैं। जी जी जी, और हमारे प्रोड्यूसर बोले कि ए ज्यादा ताव क्यों ले रहे हैं बे, शूटिंग वाला पुलिस है तू, असली पुलिस नहीं है। तो फिर आप बता रहे थे, फिर आपकी नहीं वो होता है दिल्ली में ना, हम शूट करके अभी मर्डर मुबारक में, तो मैं नहीं था, मेरा एक कलीग है पुलिस वाला। हाँ, वो यूनिफॉर्म में था, एक्टर है। हाँ, तो वो गाड़ी से एक वैनिटी से लोकेशन जा रहा था 100 मीटर। हाँ, 4 लड़के लड़ाई कर रहे थे। हाँ, तो उसने ना ड्राइवर को बोला थोड़ा स्लो कर गाड़ी। उसने गाड़ी स्लो की और ये रुक के देखने लगा उन्हें, वो चारों अलग होके खड़े हो गए नॉर्मल जैसे विंडो वाला, क्या है? बोला नहीं सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये तो है ही। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? आप भी काफी अपने कॉलेज में करते थे पॉलिटिक्स। हुआ ही है, पुलिस से तो इनकाउंटर जीवन में हर किसी का कभी ना कभी होता ही है। जी जी जी, सिग्नल तोड़ने से लेके किसी भी छोटे मोटे चीजों में, तो मेरा भी हुआ है। नहीं, एक हफ्ते तक का ऐसा कोई खबर हमें पता चली? एक हफ्ते तक अंदर होके आए थे ऐसा कुछ तो बात हुई थी। वो तो राजनीति में, वो छात्र आंदोलन था वो। हाँ, तो उसमें हम छात्र नेता थे, हमें लेफ्ट से चलना होगा। लेफ्ट से जी, अपन मड जेट्टी तक जाके आएंगे क्या? मड जेट्टी से पहले आपको सुंदर जगह एक है। वाह, चूंकि आज कोइंसिडेंट है कि आज सोमवार है जी, सावन का। वाह, और आज यहाँ एक सुंदर सा मंदिर है, किलेश्वर भगवान जी का, किलेश्वर शंकर जी का, महादेव का। जी जी जी, तो वो किलेश्वर महादेव बोलते हैं। हाँ, और बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरे काफी दोस्त वहाँ आते हैं दर्शन करने, तो उस बहाने मेरे पास आते हैं, पहले मंदिर फिर मेरे यहाँ। अरे वाह। हाँ, और हम भी सावन में चले जाते हैं, लकली इस बार आउटडोर में थे, चंदेरी और वाह दिल्ली लखनऊ, तो अभी गया नहीं हुआ है। तो आज ये कौन शूट के लिए आप गए हुए थे वहाँ पर? दिल्ली में अटल जी की बायोपिक, और वो खत्म हो गई शूट वाइज। मैं अटल हूँ जी, और चंदेरी में स्त्री 2 काम कर रहे थे। वाह वाह, मैं कल परसों ही लौटा हूँ, वो सब खत्म कर। सुंदर, ये मड आइलैंड का एक अलग नियम कानून चलता है। हाँ, नहीं ये गांव है ना मड, छोटा सा गांव है, तो आपको फील भी मिलेगा जो हमारे कैमरे में दिख रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ वैसा ही माहौल है, मैं भी स्कूटी लेके आ जाता हूँ सामान खरीदने, सब्जी लेने। बहुत बढ़िया, तो ऑलमोस्ट सब दुकान वाले परिचित ही हैं। खुद सब्जी लेने का अलग आनंद है ना भाई, देखिए। हाँ, वो
कि वो सब्जी चुनने का जो सुख है ना, जी 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 जी, कि लौकी कैसी हो और घिया कैसा हो और केला कैसा हो, नेनुआ भिंडी, उसका अलग आनंद है। मेरी अपनी हमारी जो सब्जी वाली दीदी है उनसे काफी ऐसा अच्छा वो है फ्रेंडशिप हमारा भी। मैं चारकोप में था तो वहाँ के सब्जी वाले तो मुझे लुक बताते थे कि किस फिल्म में कैसा लुक रखो वो थे यूपी के, तो जब आए तो मेरे मूंछों को लेकर बहुत कंसर्न रहते थे कि आप मूंछ ऐसा मत रखिए, ऐसा रखिए, बढ़िया लुक आएगा। चारकोप में कहाँ रहते थे? चारकोप में हाईलैंड कॉम्प्लेक्स, वो गांव में, चारकोप गांव में ही रहता था। यस यस, तो चारकोप गांव से मठगांव आ गया वहाँ भी जिंगेश्वर तालाब है और जलाराम टेम्पल है हमारे घर के सामने। करेक्ट। आपके पिताजी पंडित और फार्मर दोनों थे? हाँ हाँ। तो उनसे आपको ऐसा इंस्पिरेशन या थॉट प्रोसेस आया क्या कि भाई ओएमजी 2 में आपको भी वो करना है? तो नहीं, जब मैं सुन रहा था स्क्रिप्ट ना, हाँ जी, तो मैं वो बहुत सारी चीजों से रिलेट कर रहा था क्योंकि वो दुनिया में देखा हूँ, परिचित हूँ, जानता हूँ। आज सोमवार है ना, तो लोग गए हैं दर्शन करने, आ रहे वो जो चल के गए हुए हैं ना। जी जी, ये एक बड़ा मैंने यही देखा मुंबई में, लंबा लंबा लोग चल के जाते हैं, सिद्धि विनायक तक भी लोग चल के जा रहे होते हैं मंगलवार की सुबह में। जी वही तो, और रस्ते में कई लोग फ्री का उनको खाना पीना बांटते हैं। श्रद्धा है, भक्ति है, वही तो। लोग कई लोग बिना चरण पादुका पहने जाते हैं। वही तो, चरण पादुका मतलब चप्पल। मैं वही सोचा, मैं बोला आपका चाल चित्र जो आ रहा है ओएमजी 2 हाँ, ओ माय गॉड 2 जी। देखिए वैसे क्योंकि मेरा किरदार भी एक भक्त है उसमें। हाँ, तो आप पिताजी की बात कर रहे थे, पिताजी जी प्रीस्ट होते थे। हाँ हाँ हाँ, पूजा पाठ करते थे, कराते थे। अभी मैं जाना है मिलने मुझे उनसे अगले हफ्ते, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। ओ जी, तो पटना में ही रहते हैं वो? नहीं, गांव में। गांव में रहते हैं? उनको शहर पसंद नहीं है। बॉम्बे भी एक बार आए थे बस। हाँ, मेरे घर का पूजा कराने, जो पहला घर खरीदा था तब। हाँ, ये तो आप मेरे को पहली बार ऐसा, अरे मतलब आप देखो ना ये नजारा करवाया हो। आप यहाँ से उतर के जब आप देखेंगे ना, सागर आता है ऐसे महादेव का चरण चूमने। वाह जी वाह, ऐसा यहाँ का नजारा है। तो पिताजी आए तो गर्व किए होंगे एकदम बढ़िया। हाँ, अब सुंदर घर ले लिए हो करके। उन्हें वो सुंदर घर वर से वो उतना कुछ खास ये लगाव नहीं है। अच्छा ऐसा ही? हाँ ठीक है, मुंबई में घर हो गया तुम्हारा। हाँ, बहुत दिन किराए में रहे, इतना ही काफी है, बस यही बोल के गए। हाँ, उन्हें हमारी उपलब्धियों पे बहुत ज्यादा वो प्राउड फीलिंग भी, क्योंकि वो उस तरीके से प्रकट करने वाले लोग हैं नहीं। मेरे बाप को पता भी नहीं है मैं सिनेमा में क्या करता हूँ और कैसा करता हूँ सिनेमा हॉल आज तक देखी ही नहीं है अंदर से आज तक। हाँ, तो आपका जो भी सब काम रहता है वो कोई लैपटॉप कंप्यूटर पे जाके दिखा दिया है, या अभी एक टीवी लग गया है घर में थोड़े, तो उसमें कभी कोई आ रहा है तो देख ली, तो देखते हुए बोलती है फोन करो, बोलो बहुत दुबला हो गया है। अरे रे, मम्मिया का पता नहीं है क्या ये? बहुत घोड़े जैसा मुंह लग रहा है, खा नहीं रहा है ठीक से, सो नहीं रहा है, एक्टिंग नहीं देखती है। मुंबई में क्या क्या अलग ही जेम्स छुपे हुए हैं? हाँ, ये देखो ना, इस जगह पे लोग आते नहीं है, ये बारिश की वजह से ढक दिए हैं मंदिर, वरना एक खुला ही रहता है। अच्छा, तो ये बस सामने मंदिर से यहाँ आके, हाँ, ये नज़ारे देखो, वहाँ देखो कोई मछली पकड़ रहा है बढ़िया। अच्छा, वो साउथ बॉम्बे हो गया वहाँ पर? वो साउथ बॉम्बे वर्ली है, हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही हैं। जी जी जी, वर्ली, उसके बाद बालकेश्वर और अपना लास्ट पॉइंट ये जूहू, बांद्रा जूहू, और ये बरसोवा, ये जेपी रोड। हाँ, वो दिख गया, समझ गया मैं, ये सीधा दरगाह तक, वहाँ तक, और ये यारी रोड है अंदर, यारी रोड के पुराने वही। जी चलिए उस तरफ मुंबा देवी को सलाम। हाँ, उधर मुंबा देवी है सामने, तो चले हम लोग मंदिर में। जी अंदर हो जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। हाँ, आप भी पूजा कार्यक्रम करवाते हैं? हाँ हाँ, हम थोड़े दिन पहले रुद्राभिषेक किए थे। हाँ, घर में। हाँ, वेरी गुड। मेरी पत्नी ज़्यादा करती हैं। अच्छा अच्छा, तो वही सब ऑर्गेनाइज करती हैं, बस मैं शामिल होता हूँ। मेरा कजिन है, वो बीच में जब बहुत स्ट्रगल कर रहा था वो सत्यनारायण कथा करवा देता था, कुछ पैसे भी ले लेता था हायापुर। तो ऐसे सत्यनारायण का कथा तो बहुत सुना हूँ बचपन में। हाँ, गाँव में अक्सर होता था, और हमारा कथा से ज़्यादा हाईलाइट प्रसाद होता था, कि उसके बाद जो प्रसाद मिलेगा उसका। ये आप बहुत बड़ा सच बता दिए, मैं भी सारा मेरा ध्यान प्रसाद पे ही होता था। हाँ, देखिए प्रसाद बढ़ रहा है अभी, आज भंडारा चल रहा है ना। अच्छा है ना, वाह जी वाह। सबसे अच्छी पढ़ने का हार्दिक स्वागत।
थैंक यू सर। ये बड़ा होता होगा आपका करीब सारा यूपी एमपी बिहार राजस्थान तक का बेल्ट आपका गांव का ही है। सब का, उसके बाहर का भी, महाराष्ट्र कर्नाटक भी, आंध्र में मुझे भाई भैया बोलते हैं। हाँ क्या? हाँ अन्ना अन्ना भैया वो लोग कालीन भाई बोलते हैं। कालीन भाई, कालीन भाई, भैया नहीं बोलते, कालीन भाई, कालीन भाई। देखना भाई लोग बॉम्बे जर्नी देखना, ठीक है? थैंक यू। और ओ माय गॉड टू आई वो भी देखना। ओ माय गॉड टू बॉम्बे जर्नी दोनों देखना। आओ कितना सुंदर दिखता है ना आज, थोड़ा ये हेजी मौसम है, नहीं तो सीलिंग दिखता है बिल्कुल सामने और उसकी लाइटें भी दिखती हैं। सीलिंग है वो इधर देखो, हल्की दिख रहा है। हाँ सामने तो खंभे दिख रहे हैं धुंधले से। हाँ हाँ दिख गया भाई। गणपति विसर्जन के दौरान मेरा सबसे बड़ा आनंद में ऐसी चीज का होता था जो अनाउंसर जिस तरीके से बात करते हैं, सर्व भक्तांचे स्वागत 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 ऐसे जो बोलते हैं ना वो लोग, और वहाँ फ्री के वड़ा पाव बट रहे होते हैं। मेरा वो चारकोट में जो घर था ना वहाँ नीचे तालाब थे, ऊपर हम पूरे विसर्जन के दिन, चाहे डेढ़ दिन हो, तीन दिन हो, पांचवा हो, सातवां हो, ग्यारहवां दिन हो, तो हम लोग बालकनी में बैठ के रात 12 बजे तक विसर्जन देखते थे। वहाँ नीचे हजारों की भीड़, सब वड़ा पाव बट रहा है। हाँ चारकोप में होता है विसर्जन, छोटे वाले जो, छोटे वाले डेढ़ फीट तक के, तो वही तालाब के सामने मेरा घर है, वहाँ पे मेरे 10 साल गुजरे हैं, 8 साल। चारकोप में कहाँ कहाँ रहे आप? आशापुरा, आशापुरा करके एक बिल्डिंग है, आशापुरा हेरिटेज। तो आशापुरा में ही ले लिया आप घर फिर? हाँ हाँ, क्योंकि आदत होती है, आदत हो जाती है ना। हाँ अब मुझे मठ की आदत हो गई है, अब आपको आना जाना मुश्किल भी है, खिड़की से कोई बिल्डिंग नहीं दिखती है, शहर का भीड़ नहीं दिखता है, आवाज से आपको ज्यादा वो नहीं तो, लगा हाँ, नहीं 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 नहीं, मगर शोरगुल। तो मुंबई का आना याद है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद है। 16 अक्टूबर 2004 को मुंबई सेंट्रल में सुबह 7 बजे उतरे थे, दिल्ली से ट्रेन आई थी। वाह। और उतर के मुंबई सेंट्रल को प्रणाम किया था। क्या बोले थे आप पिताजी को? पिताजी को कुछ नहीं बोला था, बस अब एक्टिंग पढ़ लिया हूँ, सीख लिया हूँ एनएसडी से, तो अब जा रहा हूँ मुंबई। हाँ तो उन्होंने बोला था जाओ बस, नो नो अदर कन्वर्सेशन। हाँ मैंने कहा जा रहा हूँ, उसने कहा जाओ, ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। आप अच्छे ड्राइवर हैं। थैंक यू सर। हाँ, इसी कारण ये कर पाते हैं। हाँ मैं होता तो इतने में मेरे को संदेह हो जाता, मैं जजमेंट ठीक से नहीं कर पाता। हाँ 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 नहीं नहीं, जबकि इसमें तो वो हैं, कई सारे सेंसर हैं, भी हैं कि वो बता देते हैं भैया लेफ्ट में राइट में। बट अब हम ये दुबई में भी करते हैं, तो मैं उस तरफ भी चलाता हूँ यही करते करते। अच्छा दुबई में भी शो करते हैं? हाँ दुबई जर्नी बोलते हैं। तो मेरा वाला भी दुबई में ही कर लेते हैं। हाँ कर लेंगे, हम वहाँ पे भी कर लेंगे। तो आप आए बम्बई, कुछ पता था भाई? पता तो था कि यहाँ फिल्में बनती हैं। मोटा मोटी पता था। हाँ, तो फिर कहाँ बनती हैं पता चला, अंधेरी में बनती हैं। अच्छा। लेकिन अंधेरी में किधर बनती हैं ये समझने में ही 4-5 साल लग गए कि किस बिल्डिंग में फिल्में बनती हैं, कौन सा दफ्तर है। जहाँ जाए वो बोले हमारी फिल्म तो शूट हो चुकी है। हाँ। कोई बोले उनके गार्ड्स की वो तो हमारी यूनिट आउटडोर चली गई। इन्फिनिटी मॉल के बाहर बहुत सारे एक्टर बैठते थे, तो वहीं कहीं कोई एडी मिल गया, उसने बता रही वहाँ उनकी यहाँ फिल्म बन रही है, वहाँ बनने वाली है। हाँ हाँ हाँ। तो ये फिजिकल इन्फॉर्मेशन पास ऑन होता था एक दूसरे से। सही बात है, ये वो जमाना है ना जब हाँ, फोटो बांट रहे हो आप जाके। हाँ जब फोटो बांट रहे होते हैं, जब इंटरनेट इतना नहीं था। जी जी, सोशल मीडिया नहीं था। करेक्ट। तो हार्ड कॉपी तस्वीरें चलती थी, मेल का भी चलन उतने हमारे हाथ में स्मार्टफोन नहीं थे, हम उतने भी नहीं, उस समय नहीं था चलन मेल, मेल वाला इतना आया नहीं था। तो कॉपी तस्वीर लेके घूमते थे, लोगों को बांटते थे। हाँ तो आप क्या ये सोच के आए थे एकदम सीरियस एक्टर बनेंगे कि बढ़िया किसी एक टाइप का रोल कुछ सोच के आए थे? नहीं नहीं, सिर्फ एक्टर बनेंगे और एक्टिंग से घर जीवन चल जाए ये सोच के आए थे। बड़ा आपका शादीशुदा जीवन था। जी जी बिल्कुल, सपत्निक आया था, मैं ये भी नहीं आया था कि जाके घर देख लूं फिर तुम आना। हाँ। हम दोनों आ गए थे, आने के बाद घर खोजे सीधा चारकोप में। घर चारकोप में। हाँ तो जब मैं जहाँ
ज्यादा एक्टर्स रहते थे वो इलाका में पसंद करूं, सस्ते इलाके खोजने थे ना। मेरी पत्नी तुरंत बाधा क्रिएट कर देगी, यहाँ तो मैं नहीं रहूंगी। मैं बोला अरे हमारे बजट में यही जगह है। बोला नहीं यार बहुत लोग हैं तुम्हारे परिचित, बहुत एक्ट्रेस हैं जी। तो अब मुझे लगे यार ये समझ क्यों नहीं रही है। तो क्योंकि आप नए होते हैं तो शहर में चाहते हैं उस मोहल्ले में रहें जहां 10-12 चेहरे परिचित हो। हाँ सही बात बोले भाई। और मुझे उसने बोला नहीं ये परिचित चेहरों में तुम मुझे अकेले कहीं अलग ले चलो। तो फिर हम ऐसी जगह आए जहां कम हमारे परिचित लोग थे। ये सिल्वर बीच है इस इन बंगलोज के पीछे, तो यहाँ पे शूट करते रहते हैं। एक दिन मैं कर रहा था नीचे, कोविड टाइम में क्रिमिनल जस्टिस का। हाँ जी। तो लंच का टाइम था, ब्रेक नहीं हो रहा था, कड़कड़ाती धूप थी। तो इस बंगलो से जो सामने वाइट दिख रहा है ना, एक सज्जन दो लोग आए, हेलो किए, मैं भी हेलो किया, बोले लंच करने आ जाइए। तो मैं बोला नहीं अभी सीन करना है, करके मैं मिलने आ जाऊंगा। तो मैं लंच के बाद सीन खत्म करके 3 बजे गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक्टर है, बोल देते हैं कैसे आएगा। मैं आ गया दरवाजे पे तो अचानक बहुत सारे लोग थे, अलर्ट हो गए। आप कौन? मैं बोला जी मैं बोला था लंच के बाद मिलने आऊंगा। तो अब वो दरवान वान अंदर खबर भेजे कि कोई आया है, बोला था लंच के बाद आऊंगा, एक्टर वो है। तो अंदर से गेट खुला, मुझे ले जाया गया। तो अंदर जब मैं, और लकली जब हमारी बात नीचे से ऊपर हो रही थी तो मैं मास्क में था, वो सज्जन भी मास्क में थे जी, तो मैं देखा नहीं। दूसरे दिन अंदर आया, फिर हम उच्च की पीक टाइम था कोविड का, मैं मिला, बातें किया, मास्क में मैं भी था, वो भी थे। अरे थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, तुम मिलने आ गए, मुझे उम्मीद नहीं था। ओके। मैं बोला अरे नहीं सर मैंने बोला था, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कमिटमेंट किसी को बोल देता हूँ ना बस, तो फिर आप तो मुझे लगता है मैं फोटो के लिए भी 6 बजे पैकअप के बाद दूंगा जी, तो आप आएंगे ढूंढ के। तो मैं खोजता हूँ कि वो लड़का किधर गया, लाल टी शर्ट वाला, मैंने 6 बजे बोला था पैकअप के बाद। कई लोग चले जाते हैं, नहीं मिलते हैं। तो ये कौन सज्जन थे? उसके बाद हम मिल के चले गए और नंबर एक्सचेंज हो गया, और उनका उन्होंने कार्ड दिया। मैं घर जाके कार्ड निकाला, मेरे पास रीडिंग ग्लास नहीं था, तो घर जाके मैंने सोचा कार्ड देख लूं कि भाई ये जिनसे मिल के आया हूं मैं, तो देख रहा हूं हर्ष गोयन का। अब मुझे लगा, मैं फोन किया कि सर मेरे को पता ही नहीं मैं आपसे मिल के आया हूँ, मैं भी मास्क में, आप भी मास्क में, मुझे लगा बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और आपको भी लग रहा था कि ये सज्जन आदमी है, आ गया मिलने। तो बहुत हंसे, बोले अरे तो कमाल है। तो हर्ष जी वहां आए थे, उनके कंपनी का गेस्ट हाउस था। उसके बाद से हमारी थोड़ी पहचान हो गई। ये भी फिल्मों में सप्लाई करता है पौधे। भाई ये कितना बड़ा हो गया है? बहुत बड़ा हो गया, बहुत। पहले ये 4 झाड़ रखता था बस केवल। तो अभी भी हमें इसने अमलतास, आंवला, अरे वाह, लगाना था मुझे तो इसने अमलतास, आंवला और एक सेंगा, मतलब ड्रमस्टिक। जी 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 जी। सेंगा को क्या बोलते हैं? सहजन। हाँ सेंगा, सहजन। तो इसने अभी दिया हमें, बहुत अच्छी, बहुत कमाल की सब्जी है वो। उसकी आलू के साथ वाली सब्जी? हाँ, आलू के साथ ग्रेवी वाली भी कमाल बनती है। वाह वाह वाह, आप बहुत बनाते लगता है आप। हाँ मैं खाने का शौकीन हूँ, बनाने का, और मैं मोस्टली होममेड खाता हूँ मैं जी। शूटिंग में भी मैं अपनी, मेरा छोटा इंडक्शन है, कुकर है, एक छोटा सा किचन का सेटअप है मेरा। अरे वाह, जो आउटडोर में मेरे साथ जाता है। सच्ची? हाँ हाँ, मैं सेट पे किसी से पूछना, मैं अपना खिचड़ी बनाता हूँ रोज। कई बार मेरा शॉट चल रहा है, टाइम नहीं है, तो मेरे जो सहायक हैं जी वो बनाते हैं, लेकिन प्रिपरेशन तरीका वो सीख चुका है। हाँ। तो नियमित मैं खिचड़ी खाता हूँ। अटल जी के शूटिंग में 60 दिन खिचड़ी खाया हूँ। वाह जी वाह, क्योंकि अटल जी को भी खिचड़ी पसंद था। हाँ जी। और मुझे भी, क्योंकि क्या है ना, खिचड़ी बड़ा लाइट फूड है। सही बोले, चावल दाल सब्जी हल्दी नमक उबाल दो बस, ज्यादा से ज्यादा मैं घर का घी लेके जाता हूँ आउटडोर में। बढ़िया। तो वो घी अपना डाल के खा लिया। मूंग वगैरह भी नहीं? मूंग दाल डालता हूँ जी, मूंग दाल, कभी अरहर दाल, कभी तुअर दाल, कभी वो मसूर। वेरी गुड। पेट अगर आपका लाइटर रहेगा ना जी, फूड के मामले में, फूड इनटेक के मामले में, तभी आप करेक्ट इमोट कर पाओगे परफॉर्मेंस में। तो इमोशन करेक्ट आए, आपका सिंक बना रहे ना, उसके लिए लाइटर फूड जरूरी है एक्टर के लिए। स्क्रिप्ट जो है वो कागज का फूल है, हम उसको गुलाब बनाते हैं, खुशबू भरते हैं, बहुत बढ़िया, जीवन भरते हैं। तो खुशबू भरने के लिए इमोशंस और एवरीथिंग, बहुत बड़ा प्रोसेस है ना खाना। जी जी जी, हाँ हाँ, वो आर्ट है, वो भी थेरेपी है। बिल्कुल थेरेपी है, एकदम बिल्कुल थेरेपी है। आप उसमें मतलब
इमेजिनेशन करने से लेके सब्जी खरीदने तक, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने तक, धोने तक, काटने तक, हाँ जी, उसकी थिकनेस, टेक्सचर, स्वाद, कलर, yes. कितनी आप कल्पना लगाते हो कि कैसा बनेगा, और एंड में उसको जवान पे लाके चखने तक, जी जी, तो फिल्म मेकिंग है, पूरी थेरेपी है वो। फिर नमक के असर को भी देख के आप कितना अचंभ पाते हैं कभी कभी, थोड़ा नमक कम और ज्यादा हो जाए तो खेल खराब हो जाता है। पढ़ाई में कैसे थे भाई आप? पढ़ाई में मैं अच्छा था, पर मेहनत बहुत नहीं करता था। अच्छा अच्छा, मतलब दिमागी तौर पे अच्छा था, इंटेलिजेंट था, हाँ। लेकिन पढ़ाई में आप सिर्फ ये इंटेलिजेंस के साथ साथ आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, 2-3 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वो खेल में ज्यादा मेरी रुचि होती थी, हाँ। खो खो, कबड्डी, स्प्रिंटर था, हाई जम्पर था। अच्छा जी, स्पोर्ट्स में, हाँ, मैं तो 100 मीटर का अपने स्कूल का, कॉलेज का चैंपियन था, हाई जंप में यूनिवर्सिटी का नंबर 2 था, खो खो में मैं डिस्ट्रिक्ट तक खेला हूँ। उसके बाद शूटिंग बॉल, एक बॉल आते, एक गेम है, उसमें नेशनल तक खेला हूँ। शूटिंग बॉल कैसा होता है, शॉर्ट पट से अलग? हाँ हाँ, मतलब वन गो में आपको बॉल इस पार से उस पार, वॉलीबॉल जैसा है जी, लेकिन उसका एक अटेम्प्ट में ही क्रॉस करना होता है। तो फिर पढ़ाई के बाद आपका बोलते हैं एनएसडी में भी 2 बार रिजेक्शन हुआ? हाँ, 2 बार हुआ, थर्ड टाइम में सिलेक्ट हुआ था मैं। तो आपके ठान लिए थे फिर, अब कैसे मना कर दिए, देखेंगे? नहीं, मना नहीं कर दिए, क्योंकि और ऑप्शन नहीं था, मुझे ट्रेनिंग लेनी थी, और ऐसी जगह से ट्रेनिंग लेनी थी जहाँ पे पैसे ना लगे। अच्छा, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग में हमारे वक्त 2000 रुपये स्टाइपेंड मिलते थे, छात्रवृत्ति, हाँ, हाँ। मिलती थी 2000 रुपये, तो पढ़ लिख के हमें 400-500 बच जाते थे ट्रेनिंग के बाद भी। तो वो चाहती भाई हमारे पास बजट तो है नहीं कहीं प्राइवेट एक्टिंग स्कूल जा सकूं, हाँ। तो एनएसडी ही एक जगह है और जहां बहुत ऑथेंटिक और सही ट्रेनिंग है, 3 साल की ट्रेनिंग है, हाँ जी। तो मैं लगा था कि यही सिलेक्ट होना है, जैसे भी जिस हाल में भी, हाँ। यहाँ रुक के एक बार नजारा देख लेते हैं बस, हाँ जी बिल्कुल, दाना पानी बीच जी। यहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे में आप अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि ये हिडन जेम नहीं रहा है, हाँ, काफी लोग। अच्छा अच्छा, मुझे अभी याद आया कि मेरी बातचीत रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं भूल ही गया था, ऐसे लग रहा है ना कि हम नॉर्मल बातें किए चले जा रहे हैं। सॉरी, अब ध्यान दूंगा कि इंटरव्यू है तो कुछ इसमें कुछ फनी हो जाए टाइप। ना 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 ना, हम ऐसे ही चलते हैं, यही है, देखिए अब प्यार मोहब्बत में बात हो रही है, चल रहा है ऐसा सुकून, फनी ना भी हो तो टेंशन नहीं है। आजकल ना बहुत वो ये हो गया है, दबाव हो गया है कि हर चीज में कुछ, हाँ, मतलब तर्क लाए, मसाला लाए। नहीं नहीं, हाँ, ये सही है, ठीक थे, अच्छे थे पढ़ाई में तो अच्छे थे, क्या बुरी बात है, अच्छी बात है ये तो। करेक्ट, चलो, इसमें कहाँ से फनी लाओगे आपकी, मतलब मैं तो बंक करता था, नहीं करता था यार बंक, ठीक है, हाँ, तो क्या करेगा, अच्छे विद्यार्थी बनने का प्रयास करते थे, वो भी सही है। चलिए, FTI और SRFTI के टाइम नहीं सोचे आप तब? नहीं, क्योंकि हम थिएटर करते थे और लगा कि NSD ही जाना चाहिए एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए, तो FTI या SRFTI, क्योंकि वहाँ छात्रवृत्ति भी नहीं है, 12 ही लोग लेते हैं, नहीं, लोग जितने भी लें, लेकिन FTI में भी एक्टिंग स्टूडेंट को कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है, आप सर्टेन अमाउंट फी भरिए और रहने का हॉस्टल मिल जाएगा, बाकी खर्चे आपके रहने खाने के आपको उठाने आपको ही करने हैं, हमारे वक्त में 2004 में, अभी का पता नहीं, आई एम श्योर अभी भी शायद नहीं है, लेकिन NSD में अभी भी स्टाइपेंड है, अब तो मेरे ख्याल से कुछ 8-9-10 हज़ार है, अरे अब ज़्यादा है अभी के बच्चों को, हमारे समय 2000 था, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, हाँ हाँ। तो मौर्य कर चुके थे, लेकिन अब मौर्य के होटल की नौकरी कर चुका था, हाँ। और उसके बाद गया था होटल छोड़ के, वहाँ की सबसे बड़ी सीख, क्योंकि वो मनोज भाई वाली कहानी तो आप 400 जगह बता चुके हैं, सर्वविदित है, जी 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 जी, जहाँ आपको पता नहीं तो जाके देख लीजिएगा कहीं भी, हाँ। वहाँ से, लेकिन एक सबसे बड़ी सीख क्या, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने की? हाँ, वहाँ की सीख यही है कि आप हम किचन में थे और पहले ट्रेनी थे, बाद में सुपरवाइजर थे, तो जो खाना सर्व कर रहे हैं गेस्ट को, तो उसमें नीटनेस, हाइजीन, उसकी क्वालिटी करेक्ट रहनी चाहिए। वही अभिनय में है कि अभिनय में भी वो हाइजीन, नीटनेस और मात्रा, परोसा जिस तरीके से जा रहा है उसको, वो करेक्ट हो, क्योंकि सामने वाले ने ट्रस्ट करके आपको खाने आया है, रहने आया है, या देखने आया है सिनेमा में, तो जैसे वो माई गॉड है, तो हमने इतनी, चूँकि सब्जेक्ट
लोग बातें कर रहे हैं, यस सब्जेक्ट बहुत बोल्ड है, और उसको उसको हैंडल करने के लिए और संवेदना की ज़रूरत है। और अमित जैसा लेखक, मेरे जैसा अभिनेता, तो हमें लगा कि इस हमने अपनी पूरी समझ और संवेदना के साथ उस कहानी को रखा है। जी प्योरिटी है आपकी। हाँ हाँ, ऐसे ही नहीं है कि, तो वही है कि वो होटल से जो सीखा वो कहीं ना कहीं जीवन में अभी भी है। कई दायरे होते हैं ना, उनका उल्लंघन नहीं करना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो दायरे में रहते हैं जो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन। तो आप एक्सपेरिमेंट के नाम पर क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? मतलब दाल तड़का में चीज तो नहीं डालोगे? तो दाल में घी, मैं बोलता हूँ कि चावल के साथ उसमें चीज डाल दो तो रिसोटो हो जाएगा। हाँ। दाल चावल नहीं, दाल चावल नहीं रहेगा। तो ऑथेंटिक है आप? ऑथेंटिक, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ो प्लेटिंग का आजकल देखे आप, अलग अलग नायाब किस्म के ऐसे वाले दोने आ गए हैं। हाँ हाँ, नाव छोटे बोट आते हैं, अलग अलग किस्म के। एक ऐसा एक एक सरिया सा होता है, उसके ऊपर एक प्लेट होती है, उसके ऊपर कुछ होता है। हाँ तो उसको घुमा देते हैं पूरा, घुमाते घुमाते घुमाते। फैसिनेट हुए कभी ऐसा रिसेंटली देख के कुछ ऐसा गजब ही? मतलब सूप भी ऐसे बड़ी सी प्लेट में आता है? नहीं नहीं, उसमें ऐसा छोटा सा होता है कुछ? नहीं हुआ। हाँ हाँ, एक मैंने देखा था कि बहुत बड़े प्लेट में बीच में गड्ढा था। हाँ बस, तो गोली हम लोग बचपन में खेलते थे ना कंचे, तो उसका एक गुच्ची बोलते थे छोटा सा, उसमें तो ऐसा मुझे फील हुआ। इनोवेशन है खाने में जी। इंसान क्या है, हमारी जर्नी, हम इवॉल्व हुए हैं तो हम एस्थेटिक्स ढूंढते हैं, सौंदर्य बोध, एस्थेटिक्स। यस, खाने में, कपड़े में, हाँ, गाड़ी में बातचीत में। हाँ, तो सब लाइफ ठीक चल रहा है तो फिर तो एस्थेटिक्स चाहिए ही जीवन में। सही बात है, कुछ नया। हाँ कुछ नया, लेकिन कई बार एस्थेटिक्स और सौंदर्य के नाम पे कुछ बेवकूफाना भी हो जाता है। सही बोले भाई, वो बहुत थिन लाइन है। हाँ, और गैस्ट्रोनॉमी के चक्कर में पानी पूरी में चॉकलेट खा डाल दिए। वैसे वाली बात है, मीठा तीखा पानी होना चाहिए था। आइए बैठिए जी। जी जी, होल्ड करें, ले लीजिए आप फोटो, ले लीजिए सर। एक सेल्फी चाहिए जी। हाँ, ले लीजिए, वहीं से घुमा के ले लीजिए। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश तिवारी है। हाँ हाँ, अरे भाई कुछ प्रणाम मत करो भाई मेरे। और मुझे भी मेरे रिलेटिव वाले मुझे अखंडा नाम के नाम से बोलते हैं। अरे वेरी गुड, हो गया भैया, आप भी ले लीजिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनुराग मिश्रा। अच्छा अनुराग जी, कितना अच्छा ना, बहुत दिन बाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो गाँव में हल जोतते थे आप? नहीं, हल नहीं जोतते थे। हल जोतना एक वो स्किल का काम है, वरना आप बैलों के पैर में वो हो जाता है। हाँ, घिस जाते हैं कभी। नहीं नहीं, काट देंगे वो उसका हल का जो ये है, बहुत तीखा होता है ना। जी 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 जी, तो वो स्किल का काम है जी। तो मैं गौपालक थे, बैल पालते थे, लेकिन हम जोतते नहीं थे। ठीक है। के लिए एक व्यक्ति थे गाँव में। हाँ, हरवाह बोलते हैं उनको जी, हलवा का। ये डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड वो होते हैं, कार्य होते हैं सबके गाँव में। सब बटा हुआ है, हमारे दुनिया पहले तो ऐसे ही चलता था ना। तो आप ये बताओ, फिर ट्रैक्टर वैक्टर नहीं चलाए? नहीं, ट्रैक्टर भी नहीं चलाया मैं, तो ड्राइविंग बॉम्बे आके सीखा हूँ 2009 में। हाँ 2009 में मुझे एक पाउडर में गाड़ी चलानी थी। हाँ जी। तो मैं को ड्राइविंग आती नहीं थी, तो उन्होंने बोला जाओ ड्राइविंग स्कूल सीख। किस किस के लिए था ये? पाउडर के लिए। अच्छा। हाँ, वो YRF का एक शो था, बहुत बढ़िया शो है। हाँ। 2009-10 में आया था ये, वो वाई फिल्म वाली प्रोडक्शन। हाँ, थी क्या? हाँ, है ना। हाँ, 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 वो ड्रग्स की कहानी थी। तो उस समय मैंने ड्राइविंग बॉम्बे में सीखी। अरे वाह, कौन सी गाड़ी? चारकोप के I-10 में। हाँ। और I-10 में, फिर स्कॉर्पियो में जी, क्योंकि स्कॉर्पियो चलानी थी। फिर मैंने अपनी 2009 में पहली अपनी गाड़ी खरीदी। कौन सी? I-10। वेरी गुड, बेहतरीन। और फिर I-10 कब तक चलाया आप? आज भी है मेरे पास। अच्छा जी। हाँ हाँ। तो मेरे पता नहीं कौन सा मुंह है, मेरी जो पहली बाइक थी। हाँ। वो भी आज तक है मेरे पास। कौन सी वाली है ये? वो है TVS की 125 cc की। हाँ जी। तो वो आज भी है हमारे पास। वाह वाह वाह। और उसको उसका लाइफ वो हो गया है, मतलब RTO के हिसाब से खत्म हो चुकी है। हाँ, मतलब 15-16-20-19 साल हो गए, पर हम उसको बनवा के टकाटक करके रखे हैं। एक दिन 2 घंटे कैंपस में ही घुमा के उसको, इंजन हफ्ते में एक बार चला के, तो वो अब आर्काइव जैसे। वाह भाई वाह वाह। हाँ, सहेज के रखा गया है। कभी आपके काम के ऊपर वो बनी म्यूजियम टाइप, तो वहाँ रखी जाएगी वो? हाँ, मुझे लगाव होता है पुरानी चीजों से। बढ़िया है ये भी, क्योंकि आदत है ना। अब गमछे घिस जाते थे ना जी गाँव में। हाँ, तो इसका काट के झोला बन जाता था। वेरी गुड। जब झोला घिस गया ना, तो उसका काट के साइकिल पोंछने का कपड़ा बन जाता। बहुत बढ़िया। जब वो भी काला हो गया बिल्कुल, उसमें ग्रीस और मोबिल और तेल लग लग के ना जी। तो आखिरी दिन में धूप घूर जलाने में
चूंकि उसमें ऑलरेडी पेट्रोलियम चीजें हैं तो जल जाएगा, तो उसका टुकड़ा बना के गोल आग लगा देते थे किसी चीज को जलाने में। तो हमारा सिस्टम ही बचपन से या पुराना सिस्टम ही था कि किसी चीज का दुरुपयोग मत करो, हम लोग रिसाइकल करते थे। अब आजकल रिसाइकल का दौर खत्म हो गया। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले बीच पे अभी हमें दिखा वो प्लास्टिक गंदगी और कचरे जो हम सब डालते हैं, वो समंदर वापिस इधर फेंक देता है किनारों पे। तो हमारी नदियों को, समंदर को, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकारों के संग संग हम सिटीजन पे भी है। जी जी जी, अब साइक्लर्स की जरूरत है। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे भी तो आएंगे, उन्हें भी तो पानी चाहिए, हवा चाहिए। सिर्फ हमारी तक नहीं है ना दुनिया, गाड़ियों के वो जो वो होते हैं, क्या उनको बोलते हैं, प्लेट्स जो लगते हैं नीचे शॉक अब्जॉर्बर के जी, जी। ट्रकों के, उससे निकाल के हमारे हल बनते थे, हल का आगे का पार्ट, क्योंकि वो अच्छा मेटल होता है, उससे हमारे यूज के कुल्हाड़ी, हंसिया, खुरपी बनते थे। पत्ती, पत्ती बोलते थे, पत्ती का है। हाँ। लोहे ट्रक की पत्ती का बनाए गए हैं, तो उससे हमारे टूल्स बनते थे गांव में, खेती किसानी वाले। फिर वसेपुर से लोग सीख ही चुके हैं स्टेयरिंग व्हील का क्या बनता था। फट के फ्लावर हो जाएगा भाई, वो असली आदमी था, मुझे पता चला। हाँ, मुझे भी मालूम चला, क्योंकि मैं तो सीन में था नहीं जी, वो रियल व्यक्ति थे, उनको ऐसा कैमरा रोल करके उनकी राय ले ली गई। सही बात, वो कई रियल लाइफ में जो कक है ना, जो ह्यूमर है ना, जो बात कहने का तरीका है ना, वो अद्भुत ही है। सही बोल रहे हो आप। वो सुल्तान के बाद लेकिन आपका जो सैलाब आया होगा काम का, क्यों? नहीं, सुल्तान के बाद सैलाब नहीं आया था। क्यों ऐसा? सुल्तान के बाद पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम क्यों ऐसा। कल्ट है भाई वो तो, मतलब सिनेमा भी और आपका कैरेक्टर भी, लेकिन उसके बाद उतनी, आज फिल्में आए वो सब में वैसे ही बुचर और एक खूंखार आदमी है। मैं बोला खूंखार आदमी का रोल हो गया, इसीलिए मैं मसान का, जब नीरज ने मुझे कहानी सुनाई तो मैंने सबसे छोटा पार्ट जो सबसे प्यारा था जी, सध्या जी, जो बिल्कुल वो सुल्तान के अपोजिट थे, सॉफ्ट स्पोकन रेलवे कर्मचारी, वो अपने में ही आनंद में रहते हैं। सही बोले, सुलाल विनोद कुमार शुक्ल के किताब कहानियां पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं जी। तो मैंने बोला यार मेरे को, बोला छोटा पार्ट है, मैं बोला छोटा ही करूंगा, यही दे दो। संजय भाई भी थे उसमें, संजय भैया भी थे। हाँ। बहुत अच्छी फिल्म है। और ये आपके पेमेंट का बड़ा लोगों को प्रश्न है गूगल पे। अच्छा। हाँ, और एक वेबसाइट बोलती है 4 करोड़ लेते हैं पिक्चर का, ये क्या बात है? देखिए पुरुष की कमाई और महिला की उम्र नहीं पूछी जाती है तो नहीं नहीं, ये लोगों का मोस्ट गूगल क्वेश्चन, आप, मैं डिनाई भी नहीं कर रहा, आप देख लीजिए। हाँ जी 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 जी, पंकज त्रिपाठी लिखते हैं यही आ जाता है, इसीलिए तो ध्यान रखना पड़ता है। 4 करोड़ आता है। 4 करोड़ आता है। ओ वाह, बहुत बढ़िया। ज्यादा आ रहा है? बहुत नहीं, कम आ रहा है। ये भी है कि 3 गाड़ियां हैं आपके पास, मर्सिडीज हैं 2। अरे वो सब जिसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया ना और वो कहीं वो पेपराजी लोग या कहीं किसी ने फोटो खींच दिए, सब मेरी हो जाती हैं। फिर ये भी है कि नेटवर्थ भी है भाई, 50 करोड़ की नेटवर्थ का भी बात हो रखा है ऐसा। मैंने जोड़ा नहीं है अभी तक मेरा नेटवर्थ कितना है। मेरा नेटवर्थ वो है जो हम मेरे दर्शकों के दिल में है जी, जो उनके स्मृतियों में है, जो काम है सिनेमा के थ्रू और जो आचरण है जीवन में जी, वो असल नेटवर्थ होता है इंसान का। हाँ। बाकी तो ये लक्ष्मी जी हैं, आती हैं जी। आपका पहले ये बताओ, 28 है सितंबर की 5 सितंबर, क्योंकि दोनों दिनांक मिले बर्थडे के? नहीं, रियल में 28 सितंबर है। अरे वाह। लेकिन चूंकि स्कूल में एडमिशन कराने गए थे तो किसी को याद ही नहीं था दिन। ऐसा? हाँ, तो मेरे भैया गए थे तो सितंबर का है। हाँ। तो टीचर ने बोला तारीख, तो बोले तारीख तो याद नहीं, हम देख के आए नहीं है। हाँ। तो बोले 5 सितंबर अच्छा है, वो राधा पल्ली सौर कृष्णन जी का जन्म जी, जी, जी। टीचर्स डे होता है। यस। तो डाल दो अच्छा दिन देख के, तो ऐसा डाल दिया गया। वाह भाई वाह वाह। तो हमारे यहाँ बहुत लोगों के जनवरी आपके जन्म तारीख मिलेंगे। हाँ। तारीख याद नहीं तो बोले जनवरी डाल दो, साल का शुरुआत है तो उसका बाद में नौकरी वोकरी पाने के चक्कर में 6-8 महीने कम हो जाएंगे। तो आपको हमारे पूर्वांचल में 1 जनवरी के बहुत लोग मिलेंगे। दिन याद ही नहीं था, साल 2019 था, तो या तो 20 के 1 जनवरी डाल दो या जनवरी महीना। जॉन जॉन 1 जनवरी का वो है, 1 जनवरी नहीं, कमेंट में बताइएगा जनवरी के। आमतौर पे जनवरी, और जो जनवरी वाले देखेंगे उन सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे।
जनवरी में देखना पड़ेगा आपको ही, हम तो सितंबर। मैं तो सिर्फ केवल डेट जानने के लिए, नंबर जानने के लिए समझ रहा था। नहीं, तो अच्छा, वन नंबर आदमी है। 28 एक नंबर का आदमी हूँ जी, और एक ही मोबाइल नंबर है मेरे पास 20 साल से। वाह, लोग पूछते हैं अरे व्हाट्सएप नंबर नहीं है आपके पास जी? बोलता हूँ नहीं, तो एक ही नंबर है। बोले हाँ मैं एक नंबर का आदमी हूँ, व्हाट्सएप मैं इस्तेमाल नहीं करता। पहले जो सारे काम थे काफी छोटे 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 पकड़े आपने। जी जी जी, पकड़े नहीं, मुझे वहीं पकड़ में आते मेरे ऑप्शन में नहीं थे जी। तो कहाँ, क्या आप बोलेंगे कि आपका एब्सोल्यूट फर्स्ट मार्कर कौन सा आपका काम याद है आपको, सेट पे पहुंचे कैसा लगा बिगनिंग का? जी मुझे तो रन का भी याद है, मुझे कुछ समझ नहीं आया हो क्या रहा है। हाँ। लाइन से याद कर लो, बोला कर लिया, बोल दो तो मुझे कुछ पता नहीं था क्या कैमरा है, किधर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ। उसमें मेरी आवाज भी नहीं है, डबिंग किसी और ने की। आपका क्रेडिट भी नहीं है भाई? क्रेडिट भी नहीं है शायद। यूं क्यों हुआ, क्यों करे? अब छोटा सा, किसको पता था कि आगे चल के पंकज त्रिपाठी बनेगा, तो इसका क्रेडिट अभी से इसको थोड़ा तवज्जो। दुनिया ऐसे ही चलती है दोस्त कि हाँ हाँ आइए आइए चलिए बोल जाइए हो गया। हाँ, हाँ। क्या उम्मीद है कि चल के आगे एक बालक कोई बड़ा अभिनेता बन जाएगा और फिर ये बात का चर्चा होगा कि क्रेडिट नहीं है। सही बात बोल रहे हैं हम, तो दुनिया लगभग ऐसी ही चलती है। और फिर मतलब आप उसके बाद जैसे, क्योंकि गैंग्स ऑफ वसेपुर की बोलते हैं, इनफैक्ट कुछ दूसरा छोड़ो, मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक दिन आज जिस स्थिति में हूँ मैं बनूंगा, तो मेरे लिए भी वो सरप्राइज एलिमेंट था। तो क्या आप एस्पिरेशन लेके आए थे मुंबई, मतलब कितना बड़ा उखाड़ने की सोचे थे? सर्वाइवल का सोच के आए थे कि अभिनय से जीवन मेरा चल जाए, दाल रोटी चल जाए, मैं घर हो जाए, और बेसिक जो एक एक नौकरी पे आदमी जितना करता है एक कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकूं। हाँ। कि कभी मजबूरी में किसी के सामने हाथ भी ना पसारना पड़े जी। तो एक बेसिक लाइफ जितना एक आम आदमी चाहता है वैसे ही चाहत लेके आए थे। मैं हीरो बनने नहीं आया था, मैं हिट होने नहीं आया था, मैं साबित करने नहीं आया था। यही कारण है कि आज भी मैं, मेरे अंदर वो एलिमेंट ही नहीं है कि मैं प्रूफ कर दूंगा, साबित कर दूंगा। हाँ। अच्छा है। मैं नाराज नहीं होता हूँ जल्दी। हाँ। मेरे से दुनिया में मेरे को किसी से बदला नहीं लेना है संसार में, उससे बदला लेना है उसको तो बताऊंगा, किसी को नहीं बताना है मुझे मुझे अपने आप को बताना है, अपने आप को जानना है। हाँ। और मैं बहुत बोलता था, 8-9 महीने बाद मैं वीडियो इंटरव्यू दे रहा हूँ जी, तो बहुत ज्ञान की बातें करता था पहले। हाँ, हाँ, हाँ। और पढ़ता भी था उसके लिए, अवेयर व्यक्ति हूँ, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, बट रियलाइज हुआ कि जैसे जैसे आप ज्ञान को जानते हैं तो वैसे वैसे पता चलता है आप कितने अज्ञानी हैं जी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए, मेरे को बहुत कुछ नहीं पता है अभी। ये भी आज इतना बोल रहे पंकज भाई, कल हमारी इस इंटरव्यू को लेके ऐसी बात हुई थी तो 3 शब्द बोले थे, ऐसे आप बहुत कम बोलते हो ये भी मैंने। हाँ, सुना है। हाँ। खुद बोले भी हो आप ये बात कि आप बहुत कम बोलते हैं, तो मुझे अच्छा है, आनंद है। मुझे तो केवल आप लोगों का साथ, पता नहीं, मैं इंटरव्यू में ही बहुत सोशल दिखता हूँ और बातें करता हूँ, वैसे मैं बहुत, मेरे को, मैं सोशली ऑकवर्ड आदमी हूँ। मैं सेट पे भी ना चुप रहता हूँ हमेशा, हर जगह बाकी लोग मस्ती करते रहेंगे या मजा लेते रहेंगे, मैं चुप बैठा रहूंगा। सुनिए आयर बोलती थी। हाँ। किसी ने पूछा क्या हुआ आज, मूड ठीक नहीं है क्या, कोई एक्टर, मुझे याद है बरेली के टाइम जी, तो अश्विनी चूंकि मेरे साथ पहले कर चुकी थी नील भट्ट सन्नाटा। हाँ। तो बोली नहीं नहीं छोड़ दो, वो सर कुछ चल रहा होगा इनके दिमाग में, वो कर लेंगे, उसको लगा कि बहुत लो है, एक्टिंग कर पाएगा कि नहीं, क्यों ऐसा है। बोला नहीं नहीं, वो लो, वो उनका प्रिपरेशन प्रोसेस है ये। Yes. चुप रहता हूँ इंटरव्यू में ही, ज्यादा बात नहीं हो जाता हूँ कई बार। बढ़िया भाई, ये भी हमको आनंद होता है कि आप नहीं, क्योंकि ये इसका पर्पस ही बातचीत है ना जी। अब यहाँ चुप रहने का पर्पस नहीं है। हाँ। तो इंटरव्यू में हम दोनों बैठे रहे 20 मिनट, तो सोचने का, प्रोसेस करने का, चुप रहना, कोई भी प्रतिक्रिया देने के पहले 4 बार सोचना कि मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ, तो ये जरूरी है। मैं कल किसी से बात हो रही थी, मेरी पत्नी से, मैं बोला कि यार तुमने, किसी ने गलती कुछ बोला और तुम रिएक्शन दे दिए। हाँ। तो तुम ड्राइव अपने आप से नहीं हुए, उस व्यक्ति से हो गए, तो आपको ड्राइव फोर्स वो है नहीं। मैं अपना ड्राइव फोर्स तो मैं तय करूंगा कि मुझे रिएक्ट करना है या नहीं करना है, और करना है तो क्यों करना है। सही बोल रहे हो आप। तो खैर, तो प्रवचन आजकल कम दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी हो गया था ना, आपके कई इंटरव्यू लोग देख के बोलते थे अरे तो सेक्रेट गेम के बाबा ही लग रहे हैं। हाँ, और नहीं नहीं, कई लोग तो बोलते थे अभी इनका इंटरव्यू हम दे देंगे
आप सवाल लाओ, क्या बोलेंगे पंकज त्रिपाठी? हम बोल देते हैं, मुझे लगा बात सही है यार, मैं तो बहुत बोल चुका हूँ। हाँ जी, तो अभी 9-10 महीने की चुप्पी साध लो, कुछ नहीं बोलना है। और इनफैक्ट वो सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ कि यार नहीं, मैं मुझे और जानने समझने पढ़ने जी की ज़रूरत है। ओ माई गॉड के टाइम जब फिल्म स्क्रिप्ट आई तो मैं जो रेफरेंस थे उन किताबों का, तो मैं बोला भाई मुझे भेजो इनको, मैं पढ़ूंगा। वाओ, तो थोड़ा मैं वेद पुराण उपनिषद से संबंधित कुछ पुस्तकें उनकी टीका बोल पढ़ने लगा। संस्कृत में होंगी वो? लेकिन नहीं, संस्कृत में भी है, रूपांतरित भी है, संस्कृत श्लोक के साथ उसका हिंदी रूपांतरण होता है। तो मनोरी आ गए हम लोग, बहुत सिनेमेटिक जगह लगती है। मेरी बच्ची जब छोटी थी 1.5 साल की जी, तो उसको लेके आके हम पति पत्नी बीच पे, वाह, लोगों के समुद्र के बीच में हम भी बैठ के और भुट्टे खाते थे और एक आध घंटा बातें करते थे। तब ये रैंप नहीं बना था, ये पार्किंग वार्किंग कुछ नहीं थी। अब तो यहाँ पर कुछ इतना बढ़िया हो गया है, देखिए यहाँ से भी पगोड़ा दिखता है ना, यहाँ से ज्यादा अच्छा दिखता है, यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। कोई इंसिडेंट है कि कल परसों ही मैं दलाई लामा जी को सुन रहा था, एक शॉर्ट फिल्म देख रहा था जो बनी हुई है धर्मशाला में। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और मैं वो तिब्बत के जो मोनेस्ट्रीज हैं जो विस्थापन हुआ है उनका, जो तिब्बत से निकल के भारत में शरण लिए, उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने लगा, जानने लगा। फिर बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा चला गया, ये परसों की बात है। और आप सिद्धार्थ से मिल रहे हो? अरे आज सिद्धार्थ से मिल रहे हैं, बताइए क्या बात है। तो पर ये सिद्धार्थ पहले राहुल थे क्या? नहीं, राहुल भाई का नाम नहीं था? नहीं, उन्हीं का नाम था ना। नहीं, महात्मा बुद्ध पहले सिद्धार्थ ही थे जब राजा थे, तब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ही थे, राजा थे तब। जी, तो राहुल कहाँ से मेरे दिमाग में? भाई है उनका, उनके भाई है। जी जी, तो देखिए हम भी सारी ज्ञात लेके आए। तो मुझे लगा कई चीजें बुद्धिज्म की ना, वो मैं जाने अनजाने वो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं जानता नहीं था, पढ़ा नहीं था। जैसे कि बोला ना कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, ये बात मुझे लगा हाँ, मैं एक क्षण के लिए किसी से नाराज हो जाऊँ, गुस्सा हो जाऊँ, लेकिन एक मिनट बाद मैं उसको माफ़ कर देता हूँ और मैं कभी भी किसी से माफ़ी मांग सकता हूँ। मेरा कोई मतलब अहम ईगो स्वाभिमान नहीं है कि मुझसे गलती हो गई मुझे क्षमा करते हैं। हमेशा से ऐसे आई थिंक, हमेशा से नहीं, मैं गांव पे बचपन में शायद ये आगे चल के धीरे धीरे लर्निंग से हुआ है मेरे ख्याल से। एनएसडी के बाद नहीं आई बिल्कुल भी, एनएसडी के बाद हुआ है। और इन दिनों पिछले 2-4 साल से ये बढ़ रहा है मेरे अंदर इसकी मात्रा। तो क्या बाहर उतरना है? आइए, हम पगोड़ा को भी नमन करेंगे, क्यों नहीं। बढ़िया हूँ, जय शंभु महादेव। ये जगह बहुत सही है, मैं पहले जो रहता था ना चारकोप में जी, वो जो लास्ट की बिल्डिंग है दिख रही है ना, हाँ वो उन्हीं में वो बिल्डिंग है, नीचे लाखरी बिल्डिंग है, वहाँ से यही मैंग्रोव और ये बैक वाटर दिखता है मेरे घर। वो जो इंडस्ट्रियल एरिया सा दिखता है वहाँ, हाँ, चारकोप हिंदुस्तान ना का इंडस्ट्रियल एरिया के बाद गाँव में। अच्छा, नहीं करे हैं ज्यादा ऐसा घूम के? हाँ, नहीं घूम के। बॉम्बे जर्नी में पर्पस क्या होता है, उस व्यक्ति के लाइफ की गलियों को दिखाना या बम्बई के भी कुछ गलियों को दिखाना? दोनों है, आप दोनों एक साथ हो गए हैं। हाँ, तो दोनों को दिखाना। तो हम बातें कर रहे हैं अपने जीवन के बारे में और जीवन से जुड़े इलाकों के बारे में। यहाँ बहुत शाम हम बच्ची को लेके आए हैं और बाइक वहाँ पार्क करके वो स्टैंड में, और बालू पे बैठ के हम लोग भुट्टे खा रहे हैं, वो खेल रही है। बढ़िया, चलिए नमन। कितना सुंदर है ना, कितना सिनेमेटिक है ना, देख रहे हो? इतनी शांति मुंबई में आपको नहीं मिलेगी वरना। हाँ, और ये जो बोट्स हैं जो पार्क हो गए हैं मॉनसून की वजह से, जो उनके ऊपर कलरफुल वो तिरपाल लगा हुआ है, गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप है हमारा खुद का। हाँ, मुंबई का। ऐसा भी होता है? जी 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 जी, अरे इसने थोड़ा अपना रुख चेंज किया है। जर्मन इंजीनियरिंग को और ऑडी को सलाम साहब। हैदराबादी हिंदी याद है आपको, वो जो किए थे मानसिंह का कैरेक्टर? हाँ, थोड़ा बहुत याद है। हाँ, उधर का खाना क्या,
हाँ उधर जाएंगे खाएंगे, हाँ उधर जाएंगे, उधर का खाना फकत फीका हलक के नीचे कैसे उतरेंगा मियाँ। हाँ भाई ऐसा है बहुत। हाँ मेरा उन दिनों रिब फ्रैक्चर हुआ था हाय राम, तो मैं बोला भैया कोई गले वाले मत मिलो तो मैं तो पट्टा लगा के 83 की शूट कर रहा था, अंदर कॉस्ट्यूम के नीचे वो बेल्ट होता था मेरे। बाप रे बाप, तो दर्दनाक सिचुएशन हो गई। दर्दनाक मतलब मेरा फ्रैक्चर हुआ और चौथे दिन मैं सेट पे था। शिट। और रिब फ्रैक्चर में सिवाय रिस्ट के कोई उसका प्लास्टर ट्रीटमेंट है नहीं। हाँ। तो उसी में थोड़ा एक डॉक्टर ने बेल्ट दिया था कभी कभी बीच में लगा लो सपोर्ट के लिए। आपका भी कुछ कांड वांड नहीं कि कोई ऐसा मतलब आपको याद नहीं है कि आप कहीं ऐसे हड़का दिए गए वो जोर से? नहीं हड़का ऐसा तो गए ही होंगे हम तो पटना में, तो याद है मैं कई बार 2-3 बार ऐसा हुआ कि हम दूसरे की शादी में खाना खाने जाके कहाँ आए हैं उसमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता था कि कोई पहचान कोई समझ ना ले कि सिर्फ खाने आए हैं। तो अलर्टनेस के साथ साथ एक चेहरे पे प्लेजेंट भाव भी रखना पड़ता है तो उसको लगे कि मेहमान ही है लेकिन अंदर से सब सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मुझे कौन स्टडी कर रहा है और भाई जल्दी खाओ खाओ खा के तुरंत नहीं निकलना है, थोड़ा घूमना भी है। तो एक दो मेरे ख्याल से मैं गया हूँ ऐसे शादियों में खाने। और जनरली ऐसी कुटाई उटाई नहीं हुई है आपकी? नहीं 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 हुई है, वो वैसे वाला नहीं था आपका? नहीं 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 हुई है। वेरी गुड। एक बार एक रंगकर्मी ने एक थप्पड़ मारा था बस। हाँ और वही पुलिस ने आंदोलन में मारा था। हाँ तो बाकी जीवन ने इतना मारा है कि लाठियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बट क्या आंदोलन कर रहे थे आप लोग? नहीं वो तो छात्र मूवमेंट आंदोलन था। हाँ तो सोचे आप कभी पॉलिटिक्स में जाओगे करके आगे? नहीं उस वक्त तो सोचा था कि जाऊंगा। हाँ तभी तो छात्र नेतागिरी में आए कि वो, लेकिन वो करते करते रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये बहुत मुश्किल काम, राजनीति में जाना आजकल आसान काम नहीं है ये जान लो आप जी, क्योंकि राजनीति जैसे बाकी दुनिया के हर सेक्टर में मुश्किलात बढ़े हैं वैसे वहाँ भी बढ़ी है। ऑफ कोर्स मतलब चुनाव के समय टिकट पाने के लिए क्या क्या लोग दावपेच करते हैं और कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं। जी 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 जी। तो अब वहाँ भी अब बहुत महंगा भी हो चला है राजनीति। ऑफ कोर्स बहुत महंगा। तो खाने की बात हम मुंबई की बड़ी करते हैं, तो जब आप बाहर जाते हो खाने तो कौन सी है? When you're not eating at home, आप बाहर कहाँ खा रहे हो? मैं बॉम्बे में बाहर खा रहा हूँ तो 99% ये मान के चलो दक्षिणायन की घी इडली है बस। हाँ वो चाहे टाउन वाला हो या यहाँ का हो, तो तलाव के सामने वाला। हाँ तो घी इडली मुझे बहुत पसंद है दक्षिणायन का जी। रवा डोसा साउथ इंडियन खाने मुझे पसंद है। वाह जी वाह। घर के बाहर बाकी बॉम्बे का मुझे झुड़का भाखड़ी बहुत पसंद है। उफ। हाँ और ऑथेंटिक झुड़का भाखड़ी बॉम्बे में अब तो मिलते भी नहीं है। नहीं मिलता है ना, नाम लिखा हुआ है झुड़का भाखड़ी के, लेकिन वड़ा पाव मिलता है। जी सही बोल रहे हैं आप। पुणे से रत्नागिरी तब वाई के रास्ते पे पंचगनी के रास्ते पे 20 किलोमीटर होगा, शिवराज चौहान मेरे दोस्त हैं जी, उनके यहाँ मैं कई बार खाने के लिए जाता हूँ झुड़का भाखड़ी। वाह जी वाह। उनके अपने घर का घी होता है, अपने खेतों का चावल होता है, इंद्रायणी राइस है। हाँ, तो इलाके का इंद्रायणी बहुत अच्छे बढ़िया इंद्रायणी राइस, जिनको पता है वो जानते हैं इंद्रायणी राइस। नींद आती है लेकिन उसके बाद तो मैं जाता हूँ झुड़का भाखड़ी खाने कैलाश भेल में। और मुंबई की भाषा आपको स्लैंग कोई पसंदीदा शब्द आपके यहाँ के? कंटाल। कंटाल हाँ कंटाल कंटाल आ गया। पहले तो मैं समझता नहीं था मनब क्या है। हाँ। मेरी पत्नी को लगता था कंटाल कोई व्यक्ति है। कंटाल आएगा? हाँ कंटाल आएगा। तो अच्छा कब आ रहे हैं कंटाल? बोला आंटी भी तय नहीं है, शाम तक देखो। तो बताए नहीं आएंगे? बोले बताए नहीं है। तब मालूम चला कंटाल व्यक्ति नहीं। मिस्टर एक तो और हुआ था, मेरी दो मेरा दोस्त है विश्वनाथ, उसकी वाइफ है बंगाल की लड़की बेचारी कलकत्ता की जी। तो पड़ोस वाली से कुछ नाराज हो रही थी किसी चीज पे। हाँ। बोली अरे भाड़ोतरी लोग इधर कचरा रख देता है बाहर में। हाँ। तो अंदर आई सुन के उनकी बात, तो पति ने पूछा क्या हुआ? हाँ। बोले अरे वो किसी कोई मिस्टर भाड़ोतरी उसका कचरा रख के जाता है उसके बारे में बोल रहे। बोला मिस्टर भाड़ोतरी नहीं, भाड़ोतरी तो हम ही है। बोला हम भाड़ोतरी कहाँ से, हम तो बनर्जी है। तो भाड़ोतरी मतलब रेंटल। हाँ। सबसे ज्यादा याद है बसों का, ये बस जा रही है, जा रही है। हाँ, पुढ़े चला पुढ़े चला पुढ़े चला। हाँ, बड़े 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 स्त्रिया साठी पुरुषा साठी तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये बेसिक, चूंकि ये स्त्री पुरुष होगा ये समझ आ गई। हाँ आप लड़की वड़की का किरदार किए रहे पहले गांव में? जी जी गांव के एक दो नाटकों में और पटना में भी एक बार किया था। हाँ मेरे को तो नाटक खत्म होने के बाद गांव के एक दो लोग
एक व्यक्ति पीछे पड़ गए, पीछे पर नहीं पड़ गए थे, मिलने आए थे कि तुम तो कल कलेजा फाड़ दिए थे। मैं बोला है मैं बोला तो नहीं, मतलब क्या करें। मैं बोला आप कंट्रोल करिए और कुछ मत करिए। मैं एक्टर हूँ, कलाकार हूँ, मेरा काम है वो। हाँ। देखिए रोड पे झाड़ू लग रहा है ना पीछे, जी जी जी, मतलब आ रहा है, आ रहा है पीछे से रिपेयरिंग वाला। वाह, रोड सड़क सच में बेहाल हो गई थी। जैसे हमारे प्रोड्यूसर को बड़ा ये जानना था कि आपको जब ऋतिक रोशन एकदम ऐसे वाइब्रेट मोड पे चाकू मार रहे होते हैं बीच पे, तो वो सीन का आपको याद है क्या? यही इधर ही सीन में तो मैं, चूंकि वो तीन चार गोपते हैं, तो मैंने अपनी सांस को रोक लिया था रिएक्शन के चक्कर में। आप ध्यान से देखना उस शॉट को, तो वो आंखें मेरी एकदम लाल दिख रही हैं कि अब मेरे को कल्पना नहीं है कि चाकू लगने पे क्या होता होगा। सही बात है, अपने इमेजिनेशन को दौड़ाते हैं कि शायद ऐसी स्थिति होती होगी। और मुझे याद है उस शॉट में तीन चार दूसरे या तीसरे टेक में मैं एक कुछ दो चार सेकंड के लिए बेहोश हो गया था, गिर गया था। हाँ जी, हाँ हाँ, चलते शॉट में मैं ब्लैकआउट हो गया, ढप से गिर गया था, क्योंकि मैं सांस को थोड़ा लंबे समय तक रोक लिया होगा। भाई साहब तुरंत लोग आ गए, उठाए हुए विद इन सेकंड पानी मारे, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं नीचे गिरा हूँ, इतने लोग झुके हैं। जी जी जी, मुंबई की आपकी बारिश की कोई कहानी है? हाँ हाँ, बहुत कहानी है बारिश में तो, बहुत मुंबई की बारिश सबसे अच्छी आपको बहुत, मेरे को लगा ही था जिस तरह पसंद है। मैं इसीलिए यहाँ रहता हूँ, मतलब यहाँ बारिश का जो नजारा है ना वो अप्रतिम, अप्रतिम है। आपको 10 मिनट पहले से दिख जाती है आती हुई? हाँ हाँ, समंदर से दिख जाता है, देखो काला बादल चालू हो गया आ रहा है जी पानी में, तो बहुत मजा आता है। मैं घंटों बारिश को देख सकता हूँ। वाह, मैं घंटों एक पेड़ को देख सकता हूँ, ऐसे खड़ा पेड़, वो आपका मेडिटेशन है। पत्ते में जो हिलते हैं ना, पत्ते मुझे उसमें जो संगीत सुनाई देता है, उसमें जो जीवन दिखता है जी, मेरे को समझ में आता है। कई लोग बोलते हैं यार क्या दिख रहा है इतने देर में, मैं कैसे बताऊं कि जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है। मुझे इसमें बहुत कुछ दिख रहा है। आपका भी गजब का रोमांस है भाई, बचपन के आप मित्र हैं। हाँ, है ना। तो फिर मुंबई में बिफोर बेटी क्या रोमांस के आपके कार्यक्रम हुआ करते थे? कुछ नहीं, वही मोटरसाइकिल खरीद लिए थे बैठा के बारिश में, जैसे बारिश आई चलो देखते हैं बाइक लेके, तो मोटरसाइकिल लेके चारकोप, तब उतना क्राउडेड नहीं था, 8 नंबर सेक्टर नया नया बन रहा था, चौड़ी सड़क खाली। यस यस यस, तो बाइक में भीगते थे मस्त। हाँ, मजा आया। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं हमने ऐसे ही रैंडम, ऐसे लग रहा है दो दोस्त मिले थे कुछ जी सालों बाद बातें कर रहे थे, वही हमारा प्रयत्न रहता है। हाँ, और आपको भी उम्मीद करता हूँ कि सहज और अच्छा ही लगा होगा, लोगों को भी अच्छा लगा, मुझे तो बहुत आनंद आया, लोगों को भी अच्छा लगे, काट छाट के इसको जी लगा देना, और आप सभी को दर्शकों को मेरा नमस्ते प्रेम, मेरा भी आदर। अच्छा सुने, अच्छा देखें और अच्छा बने। सही बात है। और पंकज भाई को दोबारा चाहते हैं शो पे, तो हमारे देखिए 1.5-2 पेज के क्वेश्चन थे अभी, वो तो मैं पूछा नहीं, हम बात करते रहे होंगे उसमें से कुछ सवाल जो आए होंगे, क्योंकि वो लिख देते हैं तो आप याद हो जाते हैं ना, जैसे कुछ चीज तो मैं लिख दिया था पहले, तो उस कारण याद हो गए होंगे। चलिए, तो 1000 कमेंट पे हम वापस ले आएंगे, इस बार हम किसी और यंत्र में कर लेंगे, किसी और गाड़ी में कर लेंगे, बट मैशेबल इंडिया को लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अरे दुबई में कर लेंगे अपन। हाँ, दुबई में करेंगे भाई हम। बाय फोक्स।